अच्छा अब क्योंकि हम अब बात करने लगे हैं कुछ क्रैश डाइट के हवाले से और जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो यूजुअली हमने जो देखा है प्रॉब्लम वो वो ये होता है कि लोग चाहते हैं कि इमीडिएटली हम वेट लॉस की तरफ जाएं बिल्कुल ऐसा ठीक है अब इमीडिएट वेट लॉस करने के नुकसान क्या हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें इस्तेमाल की जा रही होती है जो कि इमीडिएट वेट लॉस तो कर देती हैं लेकिन उसके रेपीशन क्या होते हैं ये थोड़ा सा हमें गाइड पर सबसे पहले तो हम ये समझते ही नहीं कि वेट लॉस से कोई नुकसान भी hmm. हो सकता है सेकेंडली है कि जो वेट लॉस है ये मेडिकल टर्म है और वेट लॉस मेडिकल टर्म में एक अनहेल्दी टर्म है अगर आपका वेट लूज हो रहा है तो उसको एक बीमारी के तौर पर लिया जाता yeah. है लेकिन हम लोग अपनी देखते हैं सोसाइटी में कि ये चीज इतनी ज्यादा प्रिवेल कर चुकी है कि वेट लॉस के लिए कोई <coughs> हाँ। अच्छा, डेड नहीं है कि आप एक महीने में वेट लूज करें इट इज अल्दी वेट लॉस अगर आपका वेट ज्यादा है तो, तो लूज हाँ। लेकिन बाद लोग कहते हैं हमें एक महीने में दस के जी वेट लूज करना ही हमारा टारगेट है बेशक एक्सरसाइज उसके लिए हार्ड एक्सरसाइज करें रेमेडीज यूज करें प्रोडक्ट यूज करें या क्रैश डाइट करें उसके साइड इफेक्ट क्या पहली बात यह कि इतनी जल्दी बॉडी आपकी, आपकी अंदर से फैट नहीं निकाल सकती आपका जो मोटापा है वो तो फैट जमा हुआ हाँ। चर्बी हाँ। उसको पिघलाने का एक प्रोसेस है एक पीरियड है जो हम हुँ। हुँ। नहीं देते और जो हमें एकदम से लगता है कि वाटर का वो आपका वाटर लॉस है मसल लॉस है बस आपकी बॉडी से मिनरल्स और प्रोटीन भी लूज होना शुरू हो जाते हैं नतीजे में क्या होता है कि बाहरी तौर पर एक्चुअली हम लोगों का जो वेट लॉस का स्टैंडर्ड है ना वो सिर्फ ये है कि देखने में ना पेट पतला नजर आ रहा हाँ। है कपड़े लूज हो गए हैं अब उसमें बेशक आप अपनी उम्र से दस साल बड़े नजर आ रहे हैं हैं गए स्किन पे फिर क्या होता skin है खराब हो गई है, है आ गई है हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है स्टमक अपसेट हो जाता है क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि रैपिड वेट लॉस अगर तो आप किसी रेमिडीज के जरिए या कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं खतरनाक सबसे पहले लूज मोशन लगेंगे अब hmm. आपने डायोबेटिक डाले हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स में या उन चीज़ों में लूज मोशन से तो वैसे स्टमक अपसेट हो तो दो तीन के जी है। आप एकदम से सब कहते हैं कि कितनी कमज़ोर हो गई हो लेकिन वो एक हफ्ते बाद वापस आ जाएगा इट इज़ द नेचुरल बॉडी प्रोसेस तो उसमें बेसिकली हमारी आवाम को क्योंकि पता ही नहीं कि वेट लॉस का hmm. प्रोसेस क्या है तो वो अक्सर फूल बन जाती हैं वो बेवकूफ़ बन जाती हैं जिसका फायदा उठाती है वेट लॉस इंडस्ट्री इज़ अ माफिया

मैट जो फैट मेल्ट होने का नतीजे के तौर पर आहिस्ता आता जो उनका असेंशियल फैट था जो हमारे गुर्दों पे हमारे दिल पे हमारे लंग्स पे होता है वो भी मेल्ट होना शुरू हो गया एंड शी गोट एक्सपायर्ड उनकी डेथ हो गई इन यंग एज ये एक मेरी अपनी रियल लाइफ में ये केस है लेकिन समझने की जरूरत exactly. और उसमें बाद टोटे बहुत ज्यादा यूज करते हैं टोटकों यूज़ करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आप जैसे किसी ज़माने में तो टोटके बहुत मशहूर थे हाँ। लाइक आप सुबह उठ के दाड़ वो खा रहे हैं क्या उसको कहते हैं अजवाइन का पानी पी रहे हैं अजवाइन बहुत ज़्यादा गर्म होती है अब हम आते हैं टोटकों की तरफ टोटकों में हम जो घर की चीजें यूज कर रहे हैं वो ठंडी और गर्म होती है hmm. आपकी बॉडी का जो बैलेंस है जो आपका है वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी हम जनरली कहते हैं ये तो टोटके हैं इसने सकते हैं योगा और दूसरी प्रैक्टिस क्योंकि आयुर्वेदा हर्बल ये सारी चीजें योगा के साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं तो मेरी इस पर बड़ी डीप रिसर्च आमतौर पर जो टोटका बढ़िया मार्केट में मशहूर होता है मैं सबसे पहले अपने ऊपर खुद पे ट्राई करती हूँ खुद बर्दाश्त करती हूँ ताकि मैं लोगों को बेस्ट एडवाइस कर, कर सके हाँ। अब अजवाइन का पानी गर्म है वो हाँ। आपकी बॉडी में बहुत सी आ, स्टमक में गर्मी पैदा कर सकता है चिया सीड्स बहुत मशहूर समझे जाते हैं जी वेट लॉस के लिए बेहतर है